नरेंद्र मोदी को भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सुमेरु पीठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पीएम का यह कार्यकाल देश हित के साथ साथ जनता के हित में होना चाहिए। तीसरे कार्यकाल का शुरुआत करते ही मोदी ने 3 करोड़ आवास गरीब को देने का वादा किया है, जिस पर शंकराचार्य ने कहा कि गरीब कौन है, गरीब की पहचान आर्थिक आधार पर मूल्यांकन कर करनी चाहिए, ना कि जाति और वर्ण देखकर। शंकराचार्य ने कहा कि जातिवाद से उठकर गरीबी की पहचान आर्थिक आधार पर करने से सनातनी एक होंगे, तभी भारत सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री रहे, कैसा रहेगा वर्तमान का कार्यकाल? अब ये तो सरकारें लोग जाने, नेता लोग जाने, वैसे कार्यकाल देश हित में उनका होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। और जो उन्होंने कारभार करते हैं कि 3 करोड़ हम गरीबों को आवास देंगे, तो गरीबी ठीक है, लेकिन गरीबी इस देश में जाति देखकर नहीं आती या वर्ण देखकर नहीं आती है, उसका मूल्यांकन जाति नहीं होना चाहिए, उसका मूल्यांकन आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हर जातियों में भी गरीब हैं, हर जातियों में अमीर हैं, तो आर्थिक दृष्टि से अगर मूल्यांकन होगा तभी हर व्यक्ति को मकान या सुविधाएं मिलेगी, तो ये जो जातिवाद की खाई है तभी ये समाप्त हो सकती है, जिससे सनातनी एक हो जाए, और सनातनी अगर एक होगा तभी भारत सुरक्षित और संरक्षित है। लोगों की, संतों की क्या भूमिका है रोकने की दिशा में? अब जहां संविधान की दृष्टि से जितनी पार्टियां हैं इस्लाम को संरक्षण दे रही, ईमानदारी के साथ अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, परिणामतः जब पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो मुसलमानों को वहां भेजना चाहिए था, नहीं भेजे, जिसकी स्थिति में अंबेडकर ने अपनी किताब में उन्होंने 25 पृष्ठ, 35 पृष्ठ, 36 पृष्ठ और 52 पृष्ठ में स्पष्ट लिखा है कि मुसलमान भारत के संविधान के प्रति वफादार नहीं होंगे, और अगर यहाँ ये रहेंगे तो भारत में शांति नहीं रहेगी, इनका आधार शरीयत होगा, ये उन्होंने अपनी किताबों में उल्लेख किया है, लेकिन लोग माने नहीं। सब गड़बड़ी का आधार गांधी था, और जब एक देश था, जिस समय कांग्रेस के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की स्थिति आई तो उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस का मंत्री पद छोड़ा, और परिणामतः कश्मीर में उनके पठानकोट से कश्मीर तक उनको ले जाया गया, और कश्मीर से 15 किलोमीटर एक गांव में रखा गया, जहर का इंजेक्शन दिया गया, उस इंजेक्शन से जब नहीं मरे तो एक सफ़ेद सफ़ेद कोई जहर होता है पानी में मिला के दवा के रूप में उनको पिलाया गया और मर गए। उनकी माँ ने विरोध किया, कहा, तब भी कोई जांच नहीं हुई, परिणामतः वो आज सबके सामने दृश्य है। अगर संतों का काम जहां तक है जागरण है, अगर जग जाएं लोग, सचेत हो जाएं, और ये सपना कभी पूरा होगा नहीं, सपना देखना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन सरकारों को
और जनता को सचेत रहने की जरूरत है और इस देश में सामान्य कानून की आवश्यकता है। कोई प्रदेश हो कहीं हो, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में उर्दू को रखा गया जो एक तरह से गलत है, जिसका परिणाम ये लोग चुनकर कश्मीर में आए, एक मेजर मारा जाता है, डीएसपी मारा जाता है और एक सेना का जवान मारने के बावजूद इनकी आस्था जहां तक है आतंकवाद को है, तो संवैधानिक दृष्टि से कुछ घात निर्णय लेने की जरूरत है। आज तक के इतिहास में कभी हज यात्रियों पर हमला नहीं होता, कहीं शुक्रवार को मस्जिदों पर अटैक नहीं होता, लेकिन कश्मीर में अभी 9 तारीख को शाम को यात्री बस जम्मू में जाते हैं दर्शन करने के लिए और खुलेआम आतंकवादी हमला करता है, 5 साल के लड़के को भी नहीं छोड़ा। उस स्थिति में अगर देखा जाए ये आतंकवाद या इस्लाम से निपटने के लिए आवश्यक है कि 5% कुछ सेना के जवान अधिकारी 1% मिले हुए हैं जो सीमाओं में पैसा लेकर सीमाओं से अखिल आतंकवादी आ कैसे जाता है, तो मिले हैं पैसा लेते हैं सरकारी वाहनों में सेना के वाहनों में बॉर्डर से ले आके बीच में छोड़ देते हैं, जो जनता या धर्म यात्रियों पर या बहुत से परिस्थितियों पर। अब ये थोड़ा वर्तमान सरकार के आने से काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन आज भी ऐसे गद्दारों को चिन्हित करने की ज़रूरत है कि बॉर्डर के माध्यम से सीमा के अंदर कैसे घुस आते, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके या ऐसे लोगों का नार्को टेस्ट कराकर अगर ये प्रमाणित सिद्ध हो जाए तो ऐसे लोगों को खुलेआम चौराहों पर फांसी पर लटका दिया जाए। और एक देश एक समान नागरिक संहिता की जरूरत है, ये देश संविधान से चलेगा शरीयत से नहीं चलेगा। अब ऐसे जब कानून हो जाए तो ये स्वप्न देखना इनका कि हम इस्लामिक देश बना देंगे, लेकिन जो परिप्रेक्ष्य हो रहा है जो स्थितियां देश के सामने हैं, 200 लोकसभा के संसदीय क्षेत्रों का मतलब परिवर्तन हो गया है, वहां सनातनी अल्पसंख्यक हो गया है और लगभग 300 क्षेत्रों में विधानसभा के वो भी अल्पसंख्यक हो गए हैं, वहां सनातनियों की संख्या। और जो ये सपना देख रहे हैं इस्लामिक राज्य का, तो ये पहले का भारत नहीं है, 2024 का भारत है, हर दृष्टि से सक्षम है, लेकिन जो नया जनरेशन है इसको जागरण करना होगा, अपने धर्म का LKG से कम इंटर तक अगर हिंदी में पाठ्यक्रम हो जाए तो बहुत सा सुधार हो जाएगा। जो डॉक्टर 5 साल में बन रहा है, 5 साल